Hello guys, welcome back with the another video of the chapter organizing. आज हम लोग बात करेंगे अपने organizing chapter के last topic के ऊपर, या जो हमारा last topic है उस पर हम लोग बात करेंगे, जो कि है delegation of authorities. अब जो topic का नाम है वही थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए, delegation of authorities. अब authorities के साथ तो आप लोग familiar होंगे कि मेरे अथॉरिटीज का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजन, कि मेरे पास अधिकार है कि मैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हूँ. तो जब भी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है या आप डिसीजन ले सकते हो, तो उस डिसीजन मेकिंग पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अथॉरिटीज. अब बात करते हैं मेरा डेलीगेशन क्या होता है. डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज, यानी कि यहाँ पे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज है इसको आप लोग ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज भी कह सकते हो. तो डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर. तो अब जो ये मेरा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका मतलब क्या है. इट रेफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर. अथॉरिटीज जो होती है वो कहां ट्रांसफर होती है, डाउनवर्ड ट्रांसफर होती है. तो इट कैन बी डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी कि जो मेरी अथॉरिटीज है ये हमेशा मेरी जो अथॉरिटीज है वो कहां डेलीगेट होंगी या कहां बांटी जाएंगी, हमेशा डाउनवर्ड ट्रांसफर होगी, मतलब नीचे की तरफ ट्रांसफर होगी. टॉप लेवल वाला अपनी अथॉरिटीज मिडिल लेवल वाले को देगा, मिडिल लेवल वाला अपनी अथॉरिटीज बॉटम लेवल वाले को देगा, तो सभी लोग अपनी अपनी अथॉरिटीज अपने नीचे वाले को ही देंगे. अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो पापा अपनी जिम्मेदारी किसको देंगे, मम्मी को. मम्मी किसको देंगी आपको, आप किसको दोगे, अपने छोटे वाले को. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो अथॉरिटीज वो डे बाई डे आपकी नीचे होती जा रही, जो आपसे जूनियर है आप उसी को तो देते जा रहे हो कि मेरा काम ये तुम कर देना, ये तुम कर देना, ये तुम कर देना. तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी अथॉरिटीज होती हैं वो हमेशा डेलीगेट की जाती हैं हमारे सबॉर्डिनेट्स या हमारे जूनियर्स को. तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज का डेलीगेशन है वो होता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी कि जो भी सुपीरियर है वो सुपीरियर हमारी अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है किसको, उसके सबॉर्डिनेट को, यानी कि उससे जूनियर वाले को. जो बॉस, जो सुपीरियर है वो मेरे जूनियर, जो सीनियर है वो जूनियर को देगा, जो सुपीरियर है वो इंफीरियर को देगा, और जो यहाँ पे सुपीरियर है वो हमारे सबॉर्डिनेट को देगा. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब हो गया कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, एंड इट फ्लोस फ्रॉम डाउनवर्ड लेवल, कि हमारी ये डाउनवर्ड लेवल की तरफ फ्लो करेगा और हमारे सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ मूव करेगा. अब इसके एलिमेंट क्या होते हैं, तो हमने अपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज को या अपने डेलीगेशन को तीन एलिमेंट्स में डिवाइड किया. पहला है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी. जिम्मेदारी का मतलब क्या हो गया कि इस काम को करने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ये काम दिया गया है, मुझे ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी. तो इट मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल, कि जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन को काम दिया गया है या कोई भी काम जो एक पर्सन को दिया गया है वो काम उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमेशा कहां फ्लो करती है, अपवर्ड फ्लो करती है. कहां फ्लो करती है, अपवर्ड फ्लो करती है. क्यों अपवर्ड, अब आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप अकाउंटेबल किसको होगे. अकाउंटेबल का मतलब हो गया आप किसको बताओगे कि काम हुआ कि नहीं, अपने सीनियर को ही तो बताओगे. अगर आपके पापा ने आपसे कोई काम कहा बेटा ये काम कर देना या बेटी ये काम कर देना, तो जब वो काम होगा या नहीं होगा तो आप किसको बताओगे, पापा को तो बताओगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो एक सबॉर्डिनेट होता है वो किसको आंसर करता है, अपने सुपीरियर को. जो बॉटम लेवल होगा वो मिडिल वाले को आंसर करेगा, जो मिडिल लेवल वाला होगा वो मेरे टॉप लेवल को आंसर करेगा. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती तो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के बीच, लेकिन उसके जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो आंसरेबिलिटी होती है, वो फ्लो करती है अपवर्ड फ्लो पे. तो जो मेरा ये एलिमेंट है पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो करती है वो फ्लो करती है अपवर्ड. बात समझ आ गई. दूसरा आता है मेरा अथॉरिटीज. अथॉरिटी क्या होती है, अभी मैंने जैसा आपको बताया, इट मींस पावर टू टेक द डिसीजन, कि आपके पास जो डिसीजन लेने का अधिकार है या जो आपका, जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप किसी और को दे रहे हो, अपने जूनियर को दे रहे हो. तो अथॉरिटीज का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड इट फ्लोस डाउनवर्ड स्लोपिंग. अथॉरिटीज जो है वो कहां डेलीगेट होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज में क्या होगा, टॉप लेवल वाले अपने जो काम है वो मिडिल वाले को दे देगा,
मिडिल वाला जो है वो अपने काम बॉटम वाला को दे देगा, पापा अपने काम मम्मी को देंगे, मम्मी अपने काम अपने बेटे को देंगे, बेटा जो काम होगा वो छोटे बेटे या छोटी बेटी को या जो जो भी है उसको ट्रांसफर कर देगा। तो अथॉरिटीज जो हमारी होती है वो अथॉरिटीज मेरी फ्लो करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लस इट कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटीज को आप डेलीगेट कर सकते हो क्योंकि मेरा तो डिसीजन है ना, मैं चाहता हूँ मेरी जगह मेरा डिसीजन ये दे, या मैं चाहता हूँ मेरी जगह मेरा डिसीजन जो है वो मेरा वाइफ मेरा बेटा मेरा बेटी वो ले ले। बिजनेस में मैं चाहता हूँ मेरा डिसीजन जो मेरा सीईओ है वो ले ले, या मेरा जो मैनेजर है वो ले ले, या मेरा जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है वो मेरा डिसीजन ले ले। तो अथॉरिटीज कैन बी डेलीगेटेड, इट फ्लोज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। बात समझ में आ गई। अब आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इट मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट द जॉब। सिंपल सी चीज है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल अगर हिंदी मतलब बोले तो होता है जवाबदेही, यानी कि आपकी जवाबदारी बनती है, आपको बताना पड़ेगा कि काम हुआ तो कैसे हुआ और नहीं कंप्लीट हुआ तो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। तो इट मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट द जॉब। तो अकाउंटेबिलिटी में ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी टास्क आपको दिया गया है वो टास्क आप दिए हुए टाइम पे मीट कर। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट द जॉब या फिर टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है तो वो मेरा कहलाता है अकाउंटेबिलिटी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लोगे, अकाउंटेबिलिटी पूरी कर लोगे तो किसको बताओगे? काम अगर पूरा कर लोगे, आपको हमने कोई काम दिया, ठीक है ना, हमने आपको कोई काम दिया, आपने काम पूरा कर दिया तो किसको बताओगे? हमको ही तो बताओगे, तो हम आपके सीनियर हुए ना। पापा ने अगर कोई काम अपने बेटे को दिया है तो बेटा जब काम कंप्लीट कर देगा तो किसको बताएगा? पापा को बताएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि इट फ्लोज अपवर्ड, कि मेरी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कहाँ फ्लो करती है? अपवर्ड फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करते हैं और जो मेरी अथॉरिटीज होती हैं वो मेरी डाउनवर्ड फ्लो करती है। अब एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड, बट जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो क्योंकि जो काम आपको दिया गया है उस काम की पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी हो। अगर टेस्ट पेपर में आपने टेस्ट दिया है या एग्जाम्स में आपने एग्जाम दिए है तो अगर नंबर ज्यादा या कम आते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप ही तो होगे। अगर नंबर ज्यादा है तो आपकी मेहनत थी, अगर नंबर कम आए तो आप मक्कारी के। तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी का ट्रांसफर करने का कोई भी मतलब या अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर करने के डेलीगेट करने के लिए कोई भी मेथड नहीं होता। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अपनी जो अथॉरिटीज है वो डेलीगेट कर देते हो, आप अपनी अथॉरिटीज को अगर बांट देते हो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? तो अथॉरिटीज डेलीगेट करने में फायदा क्या होगा आपका? पहला, आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि सभी के पास काम होंगे, सभी लोग काम देख रहे होंगे, किसी एक के ऊपर तो बर्डन होगा नहीं। और जब बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं होगा, सभी में इक्वली डिवाइड होगा, तो सभी लोग मन लगा के काम करेंगे, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो हमेशा इफेक्टिव होगा। दूसरा, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, आपका एम्प्लॉय भी डेवलप करेगा क्योंकि भाई जब एम्प्लॉयज को हम काम देंगे, उसको रेगुलर बेसिस पे नए नए टास्क ऑफर करेंगे, कुछ उसको ग्रोथ प्लान्स बताएंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, ऑफर देंगे, तो क्या होगा, वो भी तो ग्रो ही करेगा। तो सेकेंड क्या हो गया कि जब हम अथॉरिटीज देते हैं तो मेरा जो एम्प्लॉय है वो भी डेवलप हो जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब आप अपने एम्प्लॉयज को काम देते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ यार बॉस हम पे भरोसा करते हैं, बॉस को लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इन्हें मुझे इसीलिए उन्होंने मुझे दिया होगा, तो अब मुझे तो अपना 100% देना है क्योंकि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट शो किया है, तो मैं भी उनके ट्रस्ट को खराब नहीं होने दूंगा, मैं भी पूरा काम करके दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट शो किया। तो थर्ड बेनिफिट आपको क्या मिला? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे, सारे लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, सभी के पास पावर टू टेक डिसीजन होगा, सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अथॉरिटीज होंगी, अकाउंटेबिलिटी होंगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा। और जब कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, सारी चीजें अच्छी परफॉर्म हो रही होंगी, तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर, क्योंकि जब आपने काम सभी के बीच में बांट दिया है, सभी को काम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है, सभी के पास कुछ ना कुछ काम है, तो क्या हुआ, आपका वर्कलोड कम हो गया। और जैसे ही आपका वर्कलोड कम हुआ तो क्या हुआ, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया और अब सभी लोग आसानी से वर्क परफॉर्म कर पाएंगे।
फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जब सभी लोग मन लगा के काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई वेस्टेज नहीं है, कोई बेकार की चीजें नहीं हो रही है, सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी। और लास्ट में बेसिस ऑफ मेंटेनिंग हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जब सारी चीजें आपकी एक वेल डिसिप्लिन वे में, एक वेल मैनर्ड वे में होंगी, तो फिर आपका क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाएगी और सभी लोग बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेटर कोऑपरेशन के साथ, बेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बात करी हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के ऊपर। आई होप सबको ये चैप्टर पूरा पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा और जो ये आज का टॉपिक था ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, व्हाटएवर इट इज, अगर आप कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।